अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। देखिए, इस बीमारी में जो बातें सामने आई हैं, उसमें सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बीमारी किसी से भी भेदभाव नहीं करती। ये समृद्ध देश पर भी कहर बरपाती है और गरीब के घर पर भी कहर बरपाती है। यहां तक कि जो व्यायाम करते हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, ये वायरस उनको भी अपनी ले लेता है। इसलिए कौन क्या है, कहां है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, इसका कोई महत्व नहीं है। इन सब में दिमाग लगाने के बजाय बीमारी कितनी भयानक है इस पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये समझना चाहिए। आपकी बात भी सही है, कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एकमात्र उपाय है। अगर व्यक्ति संयम से रहे और निर्देशों का पालन करे तो वो उसके इस वायरस की चपेट में आने की संभावना कम हो जाती है। आप ये भी ध्यान रखिए कि कोरोना से संक्रमित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोरोना से संक्रमित दुनिया में 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं। कल तो एक खबर में देख रहा था कि इटली में 90 वर्ष में से भी ज्यादा आयु की माताजी भी स्वस्थ हुई है। वैसे व्हाट्सएप की सुविधा है तो मैं एक नंबर लिखवाता हूं, लिख लीजिए, यह नंबर हर एक को काम आएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो इसका उपयोग कीजिए। नंबर मैं लिखवाता हूं, 90131, फिर से बोल रहा हूं, 90131515515। यस, 51515 पर आप व्हाट्सएप करके इस सेवा से जुड़ सकते हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखेंगे तो तुरंत आपको उचित जवाब आना शुरू हो जाएगा। तो आप जरूर, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे काशी के भाई बहन और हिंदुस्तान के और लोग भी अगर सुनते हैं, तो जरूर इस व्हाट्सएप पर आप नमस्ते लिखेंगे अंग्रेजी में या हिंदी में, तो आपको तुरंत वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे।